कोलकाता में एक अवैध निर्माण के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कहा, कोलकाता नगर निगम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर किराए पर ले सकता है। इस मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। टीएमसी बीजेपी अब आमने सामने है। जस्टिस गांगुली ने यह टिप्पणी तब की जब केएमसी के वकील कोलकाता नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में एक अवैध निर्माण के संबंध में अपनी बात रख रहे थे। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा, हम बुलडोजरिंग की अवधारणा में यकीन नहीं करते, हम विकास में विश्वास करते हैं। साथ ही कहा कि ये भी सच है कि हम किसी भी तरह के अवैध निर्माण का समर्थन नहीं करेंगे। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने जस्टिस अभिजीत गांगुली की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, जस्टिस गांगुली प्रसिद्धि चाहते हैं। दरअसल बंगाल में सीपीएम की अब कोई भूमिका नहीं रही, वो रेस से बाहर हो चुकी है, इसलिए वो बीजेपी के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल बीजेपी पर भी भरोसा नहीं है, वो सुकांत मजूमदार सुवेंदु अधिकारी पर विश्वास नहीं करते। कुणाल घोष ने कहा कि अगर बुलडोजर चाहिए तो पश्चिम बंगाल सरकार के पास भी बुलडोजर है, निगम के पास भी बुलडोजर है। उन्होंने कहा कि जस्टिस गांगुली टीएमसी विरोधी हैं। कुणाल घोष ने कहा कि योगी राज में सभी बुलडोजर महिलाओं और दलितों का खून बहा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज जैसे मामले हैं, लेकिन अभिजीत गांगुली यूपी को रोल मॉडल बना रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया ने जस्टिस अभिजीत गांगुली की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, एक बार कहा गया था कि बंगाल जो आज सोचता है देश उसके बारे में कल सोचता है, लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि अब बंगाल अवैध कामों के लिए जाना जाने लगा। कोलकाता नगर निगम में कई चीजें अवैध हैं। हालांकि जस्टिस गांगुली के करीबी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने ये बात बेहद हल्के फुल्के अंदाज में हास्य के लहजे में की थी। ये एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी, रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।